मित्रों, सभी मित्रों के लिए इस सभा में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहला प्रश्न, जब मैं ध्यान के लिए बैठता हूँ तो मेरे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सारी चिंताएं और तनाव उभर कर आते हैं और मेरा ध्यान अलग अलग दिशाओं में खींच लेते हैं। मेरे दिमाग में ये सब फिल्म की तरह चल रहा है। मैं अपने जीवन में तनाव और चिंता को कम करने और कम से कम ध्यान के दौरान इस शोर को कम करने के लिए क्या करूं? मार्गदर्शन करें। नाम भी मुकेश करके हैं कोई न्यूजर्सी से, जिनका ये प्रश्न है। तो मुकेश जी, ध्यान का स्वभाव है कि जब हम शुरू करते हैं ध्यान को और हमारी सोई हुई शक्तियां जागती हैं तो ये उतार चढ़ाव के विचारों का हुआ पोह ये बहुत ज़्यादा मात्रा में उठने लगता है। कारण क्या है कि हम जिस जगह जीते हैं नॉर्मल लाइफ, वो करीब करीब सोई हुई होती है, तो इन विचारों का हमें पता नहीं लगता है। और जैसे ही हम साधना की तरफ जाते हैं तो हमारा ध्यान हमारी तरफ आता है, हमको देखने लगते हैं, समझने लगते हैं। तो जो चीज़ें छुपी रहती हैं वो उभर के आती हैं। तो ये ऐसी कोई अनहोनी तो नहीं है, ये होता है और सभी मित्रों का ऐसा होता है। अब इसमें हमको क्या करना है कि ये तो सब चलेगा, इससे पहली बात तो लड़ना नहीं है, इसे स्वीकार करना है कि ये प्रकृति का ही आयोजन है पूरा का पूरा। क्योंकि आपके ऊपर जो घट रहा है वो सब प्रकृति का खेल है और प्रकृति पूरी सोई हुई है। प्रकृति पूरा खेल बेहोशी में खेलती है। तो तुम प्राकृतिक जी सकते हो जिस तरह से पशु पक्षी जीते हैं और ये खेल सब चलते रहेंगे तुम्हें पता नहीं लगेगा। लेकिन चूंकि तुम मनुष्य हो तो मनुष्य को क्या है, जागृति का बोध है। बड़ा अद्भुत फर्क है प्रकृति में और मनुष्य में। प्रकृति सोई हुई है और उसको अपने होने का बोध नहीं है। जैसे पेड़ है तो वो पेड़ है लेकिन उसको बोध बिल्कुल नहीं है पेड़ होने का। तो वहाँ ना विचार है, ना तरंगे हैं, ना ऊहा पोह है, ना ऊपर नीचे कुछ भी, लेकिन वहाँ संभावनाएं भी बिल्कुल नहीं है। और मनुष्य जो है वो चूंकि जागने की संभावना लिए रहता है तो मनुष्य जैसा ही मनुष्य होता है वैसा ही जो शुरू होता है विचारों का खेल। और जब हम ध्यान में बैठते हैं तो मनुष्यता की तरफ जाते हैं, ध्यान ही हमें मनुष्यता की तरफ ले जाता। अदरवाइज हम में और प्रकृति में कोई भेद नहीं है। रात में गहरी नींद में जब हम सो जाते हैं तो हम प्रकृति हो जाते हैं, जो प्रकृति कराती है वो करते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। अगर आप तथाकथित जागृत हैं थोड़े बहुत तो भी प्रकृति के ही आप इसमें रहते हैं, जो प्रकृति कराती है वो होता रहता। तो पहली बात तो प्रकृति जो करा रही है उसके सिर्फ साक्षी रहना, ये ख्याल रखो कि इसमें से तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। ये पहला सूत्र है जो आपको समझना पड़ेगा कि जो कुछ भी घट रहा है उसमें आपका कुछ लेना देना नहीं है, वो सारा का सारा प्राकृतिक है। रिएक्शन एक्शन जो भी हो रहे हैं वो प्रकृति के नियम के अंतर्गत सब कुछ चलता रहता है। तो आपको ये बात स्पष्ट जब हो जाएगी कि ये मेरे भीतर जो उतार चढ़ाव ऊहा पोहे बबल्स आ रहे हैं इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। अब ये ध्यान क्या होता है कि उसके साथ एक अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़रूरी होता है।
अकेले ध्यान करते जाओ, आप करते जाओ और साथ में अंडरस्टैंडिंग ना हो तो उसके परिणाम नहीं आते। उससे क्या हम लड़ने लगेंगे, फिर हम फिर उसके लिए सजगता का एक जबरदस्त प्रयोग करेंगे, जबरदस्ती करेंगे उन चीज़ों के प्रति, हम ये भाव बनाएंगे कि हमें इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना ही नहीं है। लेकिन वो चीज़ें इतनी ताकतवर होती हैं कि वो आपके ध्यान को खींच ही लेती है हर हालत में। तो पहली बात तो उनको, हम जिस चीज़ को मूल देते हैं वही चीज़ हमारा ध्यान खींचती है, ये नियम। जिस चीज़ को भी हम मूल देंगे वो हमारा ध्यान खींचेगी। तो ये मानिए कि ये प्रकृति का खेल है, ये निर्मूल है। आपको क्या घट रहा है क्या नहीं घट रहा है इसका कोई मूल नहीं है, जरा भी मूल नहीं है। आपने मूल दिया कि आपकी एनर्जी उसकी तरफ खिंच जाएगी, ये खेल है पूरा का पूरा। जैसे आपने कहा कि वो फिल्म चल रही, निश्चित ही ये फिल्म चल रही। इस फिल्म को अपनी दुनिया में चलने दो, इसे छेड़ो मत, इसके सिर्फ साक्षी रहो। अगर आप इतना कर पाए तो पहली बात तो ये समझो कि इसका आपसे कोई संबंध नहीं है, ये प्राकृतिक है पूरा का पूरा खेल। दूसरी बात, हमें उसको छेड़ना नहीं है। वो जैसी चल रही अपने से शांत हो जाएगी, आपने तो उठाई नहीं, वो अपने से उठी हैं चीज़ें, अपने से उठी हैं तो अपने से बैठ भी जाएंगी। तो उनको उनका खेल खेलने दो और आप ऐसा अनुभव करो, बहुत गहराई से अपने आप में ये अनुभव करो कि आप इसके बाहर हैं। और निश्चित ही आप इसके बाहर हैं, तब ये चीज़ें चली जाती हैं। आप तो बचे रहते हो तो आप तो बाहर थे ही नहीं, ये चीज़ें घटती हैं, हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं और आप बने रहते हो। तो इससे आप अच्छी तरह से बोधपूर्वक समझ लो बात के लिए कि ये चीज़ का हमसे कुछ लेना देना नहीं है। जो हो रही वो हो रही है, वो प्रकृति के नियम के अंतर्गत हो रही। अब अपने जीवन में तनाव चिंता, ये आपके जीवन से इसका कुछ लेना देना नहीं है, ये भी प्रकृति के ही गुणधर्म है। क्योंकि प्रकृति आपको प्रकृति की कशिश से बाहर निकालना चाहती है, इतना तो पक्का है। या आपका बीइंग प्रकृति की कशिश से बाहर आना चाहता है, क्योंकि वो बने ही इसलिए है कि वो प्रकृति की कशिश से बाहर आए। तो ये दोनों तरफ कसमकश चलती रहती है, इस वजह से तनाव चिंता और बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन यदि आप कोई ध्यान, जैसे मैं कहूँ छोटा सा ध्यान, बिल्कुल छोटा सा ध्यान, कि आप पैदा हुए, आपका जन्म हुआ, जन्म के साथ एक घटना घटी और वो घटी कि आपके अंदर एक अनूठी चीज पैदा हो गई, उस वो है आपकी श्वास। वो अनूठी चीज है जो आपके जन्म के पहले नहीं थी। आपका जन्म हुआ, इसके बाद श्वास चालू हुई, ये सारा खेल। और श्वास जो है धीरे 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 करके हमारे जीवन का हिस्सा हो गया। हमको ऐसा लगता है कि श्वास ही जीवन है, ऐसा हमको जैसी जिंदगी है वैसा वही दिखाई देगा कि श्वास ही जीवन है। लेकिन ये सत्य नहीं है, क्योंकि श्वास के पहले तो आप थे, जब श्वास नहीं थी और आप थे, श्वास बाद में आई। श्वास ने क्या किया है कि एक कर्तव्य बुद्धि पैदा कर दी हमारे अंदर। तो जब तक आप श्वास पे आश्रित हैं तब तक आपको कर्तव्य बुद्धि से बाहर आना मुश्किल है। तो और श्वास कोई ऐसी घटना घट रही है जो अपने आप घट रही है, मजा देखो, फिर भी हमारी कर्तव्य बुद्धि उससे पैदा हो जाती है, क्योंकि सारी क्रियाओं का फंक्शन उसी के साथ होता है। अगर आपकी श्वास बंद हो जाए तो शरीर की सारी क्रियाएं चली जाएंगी, आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। आप जो भी कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज हो रही है, वो श्वास के माध्यम से हो रही है। तो हमारे लिए श्वास इतनी महत्वपूर्ण चीज़ हो गई कि इसके बगैर काम चलेगा नहीं। और जिस चीज़ से ये खेल बिगड़ा,
उसी चीज से जो खेल सुधरने वाला है। तो आपको अपनी श्वास के प्रति सिर्फ जागृत रहना, मेरा मतलब यह है कि आपको आपकी श्वास से दूरी बना लेना। जागृत रहने का मतलब यह है कि हमें श्वास को छेड़ना नहीं है, क्योंकि श्वास अपने आप हो रही है, हमारे कहने से न चल रही न हमारे कहने से बंद हो रही, वो अपने आप चल रही। तो हमको क्या करना है कि श्वास के प्रति जागृति को बढ़ा लेना और डिसअटैचमेंट में बढ़ाना। श्वास के साथ आप धक्का नहीं मारेंगे, धक्का मारेंगे कि आप श्वास गहरी ले रहे हैं और गहरी छोड़ रहे हैं, वो फिर क्रिया का हिस्सा हो जाए। श्वास को सहज रूप से छोड़ दें, बिल्कुल सरलता से छोड़ दें, बिल्कुल सरलता से छोड़ दें, और आप उसके मात्र साक्षी हो जाएं, उससे दूरी बना के रखें। जिस दिन व्यक्ति अपनी श्वास का साक्षी होने लगता है, उस दिन उसके जीवन में हर क्रिया में, ऐसे तुम एक एक क्रिया के प्रति साधोगे तो पूरी पूरा जीवन लग जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि शरीर का ये करो वो करो, इसके प्रति जागृत रहो, उसके प्रति जागृत रहो, इसकी मूल जड़ है श्वास। अगर श्वास के प्रति जागृति आ गई तो आपकी जागृति फिर हर कृत्य के प्रति आ जाएगी, क्योंकि कृत्य जो है ना वो श्वास के माध्यम से ही हो रहा है, वो एसोसिएट है, दोनों जुड़े हुए। तो आपको जितना बन सके जितना दूर बैठ के श्वास को देखना, श्वास आ रही है श्वास जा रही है, और हम बिल्कुल अछूते हैं उससे। तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, जहाँ आपका जन्म हुआ था उसके पहले पहुँच जाएंगे। एक श्वास ही ऐसा साधन है जो बुद्ध ने बताया है, और उसने भी गहरे में बताया, और मेरा भी ऐसा अनुभव रहा है कि जिस दिन व्यक्ति श्वास के प्रति साक्षी होने लगता है, श्वास को छोड़ देता है, श्वास अपने से चल रही है, और वो बिल्कुल उसका साक्षी हो जाता है। जब वो साक्षी हो जाता है तो सारे कृत्य में उसकी अवेयरनेस फैल जाती है। फिर जीवन का कोई भी कृत्य आपका बेहोशी से, क्योंकि आप प्रकृति की कशिश, प्रकृति में हमारा आना और प्रकृति के सारे खेल को खेलना श्वास की वजह से हुआ, सारी प्रक्रिया श्वास की वजह से जो प्रकृति के खेल में चालू हुई है हमारी। अब श्वास के प्रति जब हमारी जागृति बढ़ जाएगी तो ये सारे खेल के प्रति हमारी साक्षी भाव आ जाएगा, हम इस सब के साक्षी, ऐसा होगा जैसे जो किसी और को हो रहा है। तब जो है आप ध्यान में जब बैठेंगे तो आप समस्त क्रियाओं के प्रति, इवन अपने विचारों के प्रति एक साक्षी भाव को उपलब्ध होंगे, और जैसा जैसा साक्षी भाव व्यक्ति के भीतर बनता है वैसी वैसी शांति और आनंद व्यक्ति में फलित होता है। ये पहला प्रश्न था, पूछने वाले के लिए धन्यवाद।